आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद चौन सिद्दीकी, जो समाजवादी पार्टी के एक नेता व कार्यकर्ता है। वहीं उनकी पत्नी शिवा चौन सिद्दीकी जानकीपुरम प्रथम वार्ड से सपा पार्षद के पद के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनावी रण को देखते हुए सभी चुनावी दल चुनाव के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं प्रत्याशी अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और जनता का पूरा पूरा समर्थन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है और चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई भी दल, कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव 4 मई को होगा, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को और 13 को रिजल्ट आएगा। महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी चुनावी मैदान में हैं। तो हम स्वागत करते हैं मोहम्मद चौन सिद्दीकी और उनकी पत्नी शिवा चौन सिद्दीकी का प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। शिवा जी, आप पार्षद पद की दावेदारी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, 10 साल मैंने काम किया है, जनता के बीच में बने रहे हैं। 10 साल क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा काम कराया है, रोड नालियाँ और सड़क सब सही करवाए, डेवलपमेंट करवाया है, बहुत ज़्यादा विकास किया है। उसी को लेके जनता के पास जा रहे हैं जी। और जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। चौन सिद्दीकी जी, आपसे मेरा सवाल है, आपकी पत्नी पार्षद पद की दावेदारी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता का कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है? मैम देखिए, हम लोगों ने 10 साल काम किया है और हम लोग काम के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग खुद ही कह रहे हैं कि देखो, आप लोगों ने 10 सालों में जो विकास किया है, हम काम करने वाले व्यक्ति को ही फिर से पार्षद बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि जनता फिर से शिवा चांद सिद्दीकी को जानकीपुरम का पार्षद बनाएगी। चांद जी, आप लोग अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो हम लोग पहले से समाज सेवी का थे जी, स्पोर्ट्स के गेम वगैरह हम लोग खेलते रहते थे और क्योंकि जानकीपुरम लखनऊ का अंतिम वार्ड होने के कारण बहुत अपेक्षित था, क्षेत्र में काम कोई काम नहीं होता था। तो हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज से जब निकलते थे और मनियाव गांव के लिए अपने क्षेत्र के लिए आते थे तो लगता था कि वाकई में हम लोग पता नहीं कौन से गांव में आए हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तो हम सब दोस्तों ने और गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई, चुनाव एक माध्यम है, राजनीति चुनाव लड़ना, उसी के माध्यम से हम लोग क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो वही माध्यम चुना और पहली बार 2012 में जब हम चुनाव लड़े तो लगभग निर्दलीय थे, उस समय तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे हम चुनाव और जनता ने इंडिपेंडेंट मुझे जिताया 2012 में। मैं था समाजवादी पार्टी से ही, मगर क्योंकि समाजवादी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया था तो इस वजह से सभी लोग इंडिपेंडेंट लड़े थे और 2012 में मैं पार्षद रहा
2012 से और 17 तक मैं पार्षद रहा जी। और उसके बाद फिर मेरी पत्नी, क्योंकि महिला सीट जब हो गई तो क्योंकि पत्नी भी समाज सेवा में हमेशा लगी रहती थी, तो ये हुआ कि भाई क्यों ना पत्नी को भी जो है चुनाव लगाया जाए, एक महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेंगी ये क्षेत्र में। तो मैंने पत्नी से कहा और पत्नी ने कहा कि ठीक है लड़ते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो पत्नी को चुनाव लड़ाया और क्योंकि हमने जो 5 साल काम किया था उस काम का नतीजा था कि पूरे शहर की सेकेंड सबसे बड़ी जीत हमारी हुई थी ये, क्योंकि काम के दम पे हम लोग जनता के बीच में गए और जनता चुनाव लड़ रही थी 2017 में, और 2017 में फिर 6000 लगभग वोट हमें मिले और फिर से शीबा चांद सिद्दीकी पार्षद हुई। उसके बाद फिर अब हम लोगों ने जो 5 साल इस शीबा चांद सिद्दीकी ने जो काम किए, चाहे वो अभिनव मॉडल स्कूल हो, चाहे पार्कों का निर्माण कार्य हो, चाहे सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे पार्कों में जिम की व्यवस्था हो, चाहे सड़कें हो, चाहे तालाब का सौंदर्यीकरण हो, चाहे गरीबों के आवास योजना हो, लगभग हमने अपने वार्ड में लगभग 200 घर कराए हैं। वो गरीब लोग जो जिनके घर में एक ईंट भी नहीं लगी थी, कच्चे मकान थे, और अब जब हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमारे मतलब घर वालों ने, हमारे बाप दादाओं ने कभी हमें नहीं उम्मीद थी कि हमारा मकान पक्का बनेगा और आप ऐसे पार्षद रहे जो हमें पक्का मकान बना के दिया। तो हम क्यों देंगे किसी को वोट, हम सब लोग मिल करके जिताएंगे। और आज की डेट में जनता खुद चुनाव लड़ रही है, शीबा चांद सिद्दीकी तो एक प्रत्याशी है मगर जनता ने खुद मन बना लिया है कि हम शीबा चांद सिद्दीकी को भारी बहुमत से जिताएंगे इस बार। काम कोट करेंगे, जनता बोलती है काम कोट करेंगे। और दूसरी चीज, जैसे हमने, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज थी कोई भी विद्यालय नहीं था, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुई, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे तो हमारे यहाँ आए थे गांव में, तो मैंने उनसे मांग की कि मेरे गांव में जो है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे गांव में कोई विद्यालय नहीं है और बच्चे हमारे बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके पास साधन भी नहीं होता है। तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आपके पास जगह है, तो हमने कहा हमारे एक प्राथमिक विद्यालय है सरकारी, तो वहाँ पे जो है आप अगर बना देंगे स्कूल तो हम लोग गांव की जो गरीब बच्चे हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ लगभग 14,53,00,000 के बजट से एक विद्यालय बनाया गया जो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 विद्यालय बने हैं, एक मणियावा गाँव में और एक सैफाई में। ऐसा विद्यालय शायद मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने देखा होगा। लोग दिल्ली के स्कूलों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप आए और हमारे यहाँ स्कूल देखें, शायद ऐसा स्कूल आपको दिल्ली में भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना शानदार स्कूल बना है जी। शिवा जी, वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो टाट बोरी पे बैठ के बच्चे पढ़ते थे जी। शिवा जी, आप पार्षद पद की दावेदारी कर रही हैं, आप जनता के बीच जाती होंगी, उनकी समस्याएं सुनती होंगी, अपनी बात कहती होंगी, कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है। जनता बस यही कह रही कि आप ही आएंगे इस बार और हम लोग बहुमत, पूरी बहुमत से आपको जिताएंगे। जब अपने आप वार्ड में जाती होंगी तो महिलाएं मिलते होंगे, वहाँ पे बच्चे होते होंगे, क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कहना है आपसे उनका? बच्चों का तो बस एजुकेशन हो जाए उनकी अच्छे से, उसके लिए स्कूल बना ही दिया गया है। और महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारा वार्ड और थोड़ा साफ सफाई, यही सब समस्याएं उनकी रहती हैं, तो हम लोग पहले से ही काम करवा रहे हैं, तो फिर उनको कांटेक्ट नंबर दे दिया जाता है और हमसे संपर्क कर लें, अगर कोई भी समस्या तो हमसे संपर्क कर लें जी। जी चांद जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? देखिए, सही कहा आपने, हर राजनीति में कोई ना कोई मार्गदर्शन होता है जी। हमारे तो माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ही मार्गदर्शन है, क्योंकि हमने उन्हीं को देख करके राजनीति शुरू किया, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं और सब कुछ उन्हीं को मानते हैं, और क्योंकि उनका विजन भी रहता है। आपने देखा हो जब 2012 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जी। तो हम लोगों ने प्रदेश में इतने काम किए हैं जो शायद
उत्तर प्रदेश विकास के नाम से जाना जाता था, चाहे मेट्रो ले लीजिए, चाहे स्टेडियम ले लीजिए, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, समाजवादी पेंशन योजना ले लीजिए, आईटी सेक्टर में हम लोगों ने बहुत काम किया, हॉस्पिटल्स, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, इतने बहुत सारे ऐसे काम किए, लैपटॉप, वो गरीब बच्चे जो कभी शायद लैपटॉप नहीं ले सकते थे, उन गरीब बच्चों को लैपटॉप बांटा, हम लोगों ने टैबलेट बांटा, हम लोगों ने बड़े बड़े पार्क बनाए जो आज लोग पर्यटन स्थल के लिए, लोग बड़े दूर दूर से लोग आते हैं पर्यटन स्थल, चाहे जनेश्वर मिश्र पार्क ले लीजिए, आगरा में बहुत अच्छा डेवलप किया हम लोगों ने, लखनऊ में जैसे घंटा घर है, हेरिटेज जोन, उसको डेवलप किया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हम लोगों ने सड़कें बनाई। तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से और 17 के बीच में जो काम किया, उनके विजन को देख करके हम लोगों ने भी वही कोशिश की कि अपने वार्ड में एक क्लीन जो जानकीपुरम और ग्रीन जानकीपुरम के तहत हम लोग काम करते रहे। 10 सालों तक हमने क्षेत्र का विकास किया और विजन भी हमारा वही है कि क्षेत्र का विकास हो, हम लोगों का काम बोल रहा है। चांची, आप लोगों ने राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है, तो राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? देखिए, राजनीति में चुनौतियां तो रहती हैं। देखिए, आप जब दो लोगों की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं आप जब कोई फैसला करते हैं तो एक संतुष्ट होता है और एक असंतुष्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो असंतुष्ट लोग होंगे, तो राजनीति में क्योंकि किसी का काम हो पाया, किसी का नहीं हो पाया, भाई बहुत सारे लोग हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, वो अपने आप को प्रतिद्वंदी मानते हैं, हमको मानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा नेचर है कि हम लोगों से, हम अपने प्रतिद्वंदियों को भी जो है प्यार मोहब्बत से ही बात करते हैं, हमारा वैसे झगड़ा किसी से रहता नहीं है, और बहुत ज़्यादा हमारी चुनौतियाँ नहीं रहती है, क्योंकि क्षेत्र का चुनाव होता है, क्षेत्र को लोगों से मिलना जुलना रहता है, सब अपने लोग रहते हैं, हमें नहीं लगता कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा चुनौतियां रहती हैं। शिवा जी, आप लोग समाजवादी पार्टी से नाता रखते हैं, अभी तक अनुभव कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और हमारे अखिलेश भैया भी बहुत अच्छे हैं, और जब सरकार थी उनकी, बहुत हम लोग प्राइवेट काम भी करवाते थे, और ऐसे भी नगर निगम से भी हम लोग को बजट मिलता था, उससे भी काम करवाते थे। जी चांद जी, अभी जानकीपुरम प्रथम वार्ड में अभी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो जैसे रोड हम लोग बनाते हैं और रोडें खराब होती हैं, और बहुत सारी सड़कें खराब हो गई 10 सालों में, उनको सड़कों को बनाया, लगातार हम लोग काम करते रहे। समस्याएं तो जो क्षेत्र हमारे यहाँ, क्योंकि पूरे लखनऊ नगर निगम में परिसीमन हुआ है, परिसीमन के बाद में हम लोग यहाँ 88 गांव पूरे लखनऊ नगर निगम में जुड़े हैं, तो जो नए गांव हमारे में शामिल हुए हैं, चाहे सैदपुर जागीर हो, चाहे शौर विहार हो, सीता विहार हो, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ जो शामिल हुई हैं, हमारी ये प्राथमिकता है कि उन कॉलोनियों में, जिन कॉलोनियों में पहले काम नहीं हुए हैं, उन सड़कों को बनाना, और जो हमारे क्षेत्र में लगभग 30 पार्क हैं, कोशिश हमारी रहेगी कि उन 30 पार्कों में, हमने लगभग 28 पार्क को डेवलप कर दिया है, 2 पार्क हमारी और बची हैं, उनका सौंदर्यीकरण कराना, और जो बड़े पार्क हैं हमारे क्षेत्र में उसमें ओपन जिम की व्यवस्था कराना, कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए खुली हवा में वो एक्सरसाइज वगैरह कर सके, व्यायाम कर सके, और क्योंकि अभी कोविड काल गया है, लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लोगों का कमज़ोर था, तो लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो अब जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो लोगों का कहना है कि भाई कई पार्कों में हमने ओपन जिम लगाया भी है और कई पार्क रह गए हैं, तो लोगों की मांग है, जैसे आप लोगों ने और अन्य पार्कों में जिम की व्यवस्था कराई है, हमारे भी पार्कों में जिम की व्यवस्था कराएं, और सफाई का विशेष, लोगों ने कहा है कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, सफाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, कर्मचारियों को बढ़ाया जाए क्षेत्र में, जो सफाई व्यवस्था सही से हो सके। हमारे यहाँ सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र में, क्योंकि ये हमारी गांव जो है वो मलिन बस्ती है, तो मलिन बस्ती के कारण जो है वो पतली पतली गलियां थी और पतले पतले सीवर पड़े थे, तो कोशिश है कि जानकीपुरम में फिर से बड़ी सीवर लाइन डलवा करके सीवर लाइन की व्यवस्था सही कराना, और जो तालाब हमारे यहाँ है उनका अच्छे से सौंदर्यीकरण कराना, जो जल संरक्षण की एक हम लोग अभियान चला रहे हैं कि
जल को कैसे संरक्षण कहाँ किया जाए, तो हम लोग यही सब चीजें हैं जो आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। और यही सारी चीजें लोगों की मांग भी यही है कि हम लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं हम लोगों ने हल कर दी है, जो बड़ी छोटी समस्याएं हैं उनको आने वाले समय में हम लोग उनका निस्तारण करेंगे, उनके काम करेंगे। जी, तो जैसा कि चांदी अभी आपने बताया कि अभी भी वार्ड में कई समस्याएं हैं जिसको लेकर काम करना है, आप जनता के बीच किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? देखिए, यही मुद्दे हैं कि हमने 5 साल काम किया है जी। और 5 साल मैंने हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा है, शीबा चांद सिद्दीकी जी का 5 साल कार्यकाल रहा है, लगभग 10 साल का हम लोगों का कार्यकाल हो चुका है। और हमने अगर 10 सालों में विकास कार्य किए हैं और तो हमें आप लोग समर्थन करें, वोट करें। जनता खुद कह रही है कि भाई आपने काम किया है और आप सदैव उपलब्ध रहते हैं आसानी से, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में जनता खुद स्वयं लड़ रही है। और जनता जैसे पिछली बार रिकॉर्ड बनाया था, इस बार भी मुझे उम्मीद है कि जनता रिकॉर्ड बनाएगी। चांची, अगर जनता आपको मौका दे देती है तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? और देखिए, शिक्षा के लिए मैंने एक अभिनव विद्यालय बनाया है जिसके बारे में मैंने बताया कि अभिनव मॉडल एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, अभी उसका नाम बदल गया है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है विद्यालय। और हम लोगों को खुशी है कि उनके नाम से हमारे गांव में एक विद्यालय हुआ है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि उसका जो कार्य रह गया है उसको भी हम लोग पूरा करें, क्योंकि वो 14,53,00,000 रुपए के बजट से हम लोगों ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, और उसमें हमने एक प्रस्ताव दिया था तभी हमारे क्षेत्र में एक स्कूल बना था। और वाटर लाइन की व्यवस्था हम लोगों ने लगभग 20 करोड़ के प्रोजेक्ट से घर घर पानी पहुंचाया है, पानी की व्यवस्था कराई है, और पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया है, सड़कें बनाई है, तालाब का सौंदर्यीकरण कराया है, स्वास्थ्य के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया है, लगभग 30 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें लोग 600 के लोग आते हैं। यही सारी व्यवस्थाएं हमने की है और यही सारे कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जनता मन बनाए बैठी है कि हम क्योंकि पुराने हैं और हम शिवा चांद सिद्दीकी जी को इस बार फिर भारी बहुमत से जिताएंगे। शिवा जी, देखा जाए अगर वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो सफाई को लेकर होती है, नालियों को लेकर होती है, जल भराव को लेकर, पानी बिजली, इसकी कैसी व्यवस्था है आपके वार्ड में? अगर जनता आपको मौका देती है तो इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ काम करेंगी? साफ सफाई और बेहतर कर देंगे, कर्मचारियों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चांची, आपको जनता का नेता कहा जाता है, अच्छे से इस बार और अच्छे से काम करें जी। देखिए, मेरा मैं आपको बताऊं, मैं मूल रूप से लखनऊ का निवासी हूं और इस गांव का मूल रूप से मड़ियांव गांव का निवासी हूं, और मुझे यहां की सारी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सारी चीजें पता है, और यहां पे मूलभूत सुविधाएं कैसे लोगों को दी जाए, क्या क्या समस्याएं हैं, कहां कैसे जल भराव होता है, कौन कौन कैसे लोग हैं, सब मुझे पता है। तो मुझे जनता के बारे में बखूबी पता है और इसीलिए जनता हमारी मदद करती है। और जनता, क्योंकि जनता को पता है और उम्मीद है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं काम कराने में, और हमारा सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस खुला रहता है, 2 लड़के हमारे ऑफिस में रहते हैं। जो आम जनता की, चाहे वो समाज पेंशन योजना हो, चाहे वो किसी का आय प्रमाण पत्र हो, किसी का जाति प्रमाण पत्र हो, किसी का निवास प्रमाण पत्र हो, ऐसे बहुत सारी पेंशन योजना, आवास योजना, उन सब कार्यों के लिए मैंने अपने ऑफिस में 2 लोगों को बिठा रखा है, वो लोग सारे लोगों को प्रमाण पत्र बना के देते हैं। हम लोग जब आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध हैं तो जनता आसानी चाहती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या देखा गया है कि नेता जल्दी मिलते नहीं है, वो जब जीत जाते हैं तो जनता मिलते हैं, जनता से जो है भागना शुरू कर देते हैं, जब फिर चुनाव आता है तो जनता के बीच में जाते हैं। हमारा ऐसा है कि हम जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ऑफिस में 2-4 लड़के हमारे रहते हैं जनता के काम करने के लिए, हम फील्ड में रहते हैं, जनता की समस्याएं जाकर के क्षेत्र में देखते हैं कि किस तरीके से जनता की समस्याएं दूर की जाए। चांद जी, शिवा जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है, अपनी बात कहने का प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बस जनता से यही अपील करेंगे कि आने वाले 4 मई को
आप सब लोग अपने अपने घरों से निकले और निकल करके समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं उन सबको जिताएं आने वाले समय में, क्योंकि हमारा जानकीपुरम प्रथम वार्ड है, शिवा चांद सिद्दीकी जी प्रत्याशी हैं और हम जानकीपुरम के सभी सम्मानित जनता से, क्षेत्रवासियों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने घरों से निकलें और विकास के नाम पे शिवा चांद सिद्दीकी को साइकिल वाले बटन को दबाएं और भारी मतों से जीत लें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई मोहम्मद चांद सिद्दीकी और उनकी पत्नी शिवा चांद सिद्दीकी से, जो एक बार फिर से पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रही हैं। बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है और चुनाव को देखते हुए सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और जनता का पूरा पूरा समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।